नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HP स्टडी हब के YouTube प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिमाचल प्रदेश सरदार पटेल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किए गए बीएड एंट्रेंस के टेस्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शन, यू हैव टू चूज द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। यानी कि आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग बताना था, सिनोनियम बताना था। तो फर्स्ट वर्ड आपके पास दिया है टैसिटर्न। सो टैसिटर्न वर्ड का बेसिकली मतलब होता है आपका द पर्सन हु इज लेस टॉकेटिव, यानी कि अल्पभाषी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता हो उसे कहते हैं आपका टैसिटर्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आपको सिनोनिम बताना है, राइट आंसर रहेगा इसका साइलेंट। साइलेंट पर्सन को क्या बोलेंगे आपका टैसिटर्न। टॉकेटिव की बात करें तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। टॉकेटिव वो पर्सन होता है जो ज़्यादा बोलता है, वोल्युबल भी उसी पर्सन को बोलते हैं जो ज़्यादा बोलता है। और ऑप्शन जो थर्ड आपका एक्सट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो यू नो जो अकेले नहीं रह सकता है ना, जिसको लोगों के बीच रहना पसंद हो, जिसको जिसे बहुमुखी भी कहते हैं, दैट इज योर एक्स्ट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2, ये फिर से आपका सिनोनिम ही आपको बताना था इसका एलन का। सो एलन मींस बेसिकली उस पर्सन को कहते हैं जो काफ़ी इंथुजियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लेयर। फ्लेयर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन 2 को देखें स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक पर्सन को कहते हैं। इंस्पिरेशन जिसके आपको इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन उसके लिए नाउ नहीं है वर्ड आपका। और बोर्डम, बोर्डम बेसी इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब है जब आप बोर होते हैं किसी, इसलिए यूज होता है आपका बोर्डम। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए फ्लेयर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें डिबंक, तो डिबंक के बारे में आपसे पूछा है। तो डिबंक यानी कि आप जब किसी को एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है। डिबंक का मतलब होता है जब क्या करते हैं आप, जब किसी के बारे में कोई चीज़ एक्सपोज करते हैं, किसी के बारे में पहले से बता देते हैं, भंडा फोड़ देते हैं उसको, ये इसका मीनिंग होता है डिबंक का। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्सपोज करना। चीट या थ्रेटन या फिर पेसिफाई जो है इसके अपोजिट में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आपका आएगा इनस्पीड। इनस्पीड वर्ड का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था आपका सिनोनिम में। सो इनस्पीड बेसिकली इसका मतलब होता है आप जब टेस्ट लेते हैं ना, आपको कभी किसी चीज़ का स्वाद ना आए, आपको किसी में आपको डिलेक्टिबल ना लगे कोई चीज़, इसका स्वाद कैसा है, तो टेस्टलेस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा इन गिवन ऑप्शन में से दैट इज सिक। एक बीमार व्यक्ति आपका उस स्टेज में होता है इन स्पीड की। बाकी लाइफलेस, एरोगेंट आप जानते हैं, घमंडी इंसान, और अनस्कर प्लस के बारे में भी आप जानते ही होंगे इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया सिनोनिम बताना आपने फिर से इसका। तो प्री पोस्टीरियस, तो प्री पोस्टीरियस वर्ड का बेसिकली मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा आपका अब्जर्व्ड, अटरली अब्जर्व्ड पर्सन, बेहुदा, जो बेतुकी बात करे उसे क्या बोलते हैं प्री पोस्टेरियस। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसमें आपसे पूछा गया वर्ब। सो वर्ब का मतलब क्या होगा, वर्ब मीन्स आपका एंथुजियाज्म, ठीक है, यानी कि वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, जो काफ़ी एनर्जेटिक है उसे कहेंगे आपका वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था ब्लाइथ का आपको मीनिंग बताना था, सिनोनिम ब्लाइथ। तो इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होगा आपका जॉयस, जो काफ़ी खुश रहता है, चीयरफुल रहता है, उसे क्या कहते हैं आपका ब्लाइथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपसे पूछा गया था सर्कमस्क्राइब। तो सर्कमस्क्राइब का बेसिकली मतलब क्या होगा, दैट इसका मतलब होता है देखो सर्कमस्क्राइब यानी कि आपने सर्कम बना दी, घेरा लगा दी। तो राइट आंसर रहेगा इसका लिमिटेड, लिमिटेशन में आपको रखा है, तो लिमिट इसका जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 से 16, तो 9 से 16 की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना था चूज द, यहाँ पर आपको क्या बताना था अपोजिट वर्ड बताना था, ठीक है, यानी कि आपको क्या बताना है एंटोनियम बताना है, ठीक है। तो अपोजिट आपको वर्ड बताना था क्वेश्चन नंबर 9 से 16 में। तो 9 क्वेश्चन था आपका अल्ट्रुइज्म। तो अल्ट्रुइज्म यानी कि अल्ट्रुइस्ट, जो सबसे प्यार करे, ठीक है, उसे कहते हैं अल्ट्रुइज्म या अल्ट्रुइज्म, मीनिंग बेसिकली उसका देता है जो सबसे पर्सन क्या करता है, जो लव, वन हु लव्स एवरी वन, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको पता, सेल्फिशनेस, ठीक है, जो बंदा सेल्फिशनेस में सेल्फिश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 10, बोस्टरस। तो बोस्टरस बेसिकली वो पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा बोलता हो, बोस्टरस रहता हो, है ना। उसका राइट आंसर रहेगा आपका सिरेन, ठीक है, सिरेन इज द राइट आंसर, जो कम मतलब कि कम अपने में सीमित रहे उसे कहता है आपका सिरेन। तो राइट आंसर रहेगा उसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11 में आपसे पूछा था प्रोएसिक। तो प्रोएसिक बेसिकली उस पर्सन को कहते हैं, देखो प्रोएसिक पर्सन जो काफ़ी क्या हो, इमेजिनेटिव हो, ठीक है। तो उसका राइट आंसर रहेगा इमेजिनेटिव। प्रोएसिक पर्सन वर्ड का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि जो पर्सन जो काफ़ी सोचता ना हो, है ना, जो चुपचाप बैठता हो, उसको लेना देना नहीं है कि क्या चला आपकी दुनिया में, ज़्यादा मतलब एक कवि टाइप का ना हो, जो है ना अपने तक ही सीमित रहे, तो प्रोएसिक प्रकार का व्यक्ति होगा। जैसे पेंसिव टाइप का इंसान होगा, स्पेसिफाइड बोल देंगे, रिहोट्रिक पर्सन हो जाएगा उसका, ना उसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका इमेजिनेटिव। ओके, नेक्स्ट आपके पास फ्लमक्स या फ्लमोक्स। तो इस पर्सन पर्टिकुलर वर्ड का जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका आपके पास डिलाइट। देखो फ्लमोक्स बेसिकली उस पर्सन को बोलते हैं जो काफ़ी परेशान रहता है, अनॉयड रहता है, ना, जो डिसकंसर्न में रहता है आपका। उसका राइट आंसर क्या होगा डिलाइट। डिलाइट यानी कि जो बहुत क्या रहता है आपका, खुश रहता है, उस पर्सन को कहेंगे आपका डिलाइट। सो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो एंटोनिम होगा वो होगा डिलाइट।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें एनिमेटेड, सो एनिमेटेड बेसिकली यू नो डिलाइट का ही आपका सुनने में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डल। एनिमेटेड जो काफ़ी बंदा एनिमेटेड है, एनिमेशन करता है, काफ़ी क्रिएटिव है, क्लियर, मॉडर्न है, पेंट्रेटिंग है, ठीक है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डल, डल यानी कि जो कुछ करता ही नहीं है, एनिमेटेड नहीं है, डल। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आपका डोंटलेस, सो डोंटलेस यानी कि जो काफ़ी यू नो जो डरता ना हो किसी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कावर्डली, जो घबराहट, जो डरे है ना, कावर्ड जो परेशान रहे, घबराए, बेसिकली घबराए, डरपोक जिसे बोलेंगे कावर्डली, जो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 डिसमल, तो डिसमल बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होगा आपका चीयरफुल, डिसमल यानी कि जो निराश रहे, तो चीयरफुल यानी कि जो खुश रहे, तो ये जो होगा इसका एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें एरोगेंट, एरोगेंट यानी कि काफ़ी घमंडी इंसान, ठीक है, उसका राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा आपको मोडेस्ट, काफ़ी मोडेस्ट है आप, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 से 25, तो यहाँ पर आपको बताना था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि मर्डर ऑफ ब्रदर, तो मर्डर ऑफ ब्रदर को क्या बोलते हैं आपका फैट्रीसाइड, ऑप्शन जो है 4 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वहीं बात करूँ पैट्रीसाइड की, तो पैट्रीसाइड जो क्या बोलते हैं उसको मर्डर ऑफ फादर, जब आप पिता की हत्या करते हैं उसे बोलते हैं पैट्रीसाइड, क्लियर है। और रिजिसाइड होते हैं जब किसी में आप यू नो किंग की जब हत्या करते हैं उसे बोलते हैं रिजिसाइड, रीजन में किसी की किंग की जो हत्या करते हैं उसे क्या बोलते हैं रिजिसाइड। क्वेश्चन 18 की बात करें, क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा है कि वॉकिंग इन स्लीप, तो वॉकिंग इन स्लीप को बोलते हैं आपका सोमनम बुलिज्म, दैट इज द राइट आंसर, सोमनम बुलिज्म। अच्छा एक ऑप्शन ए भी है यहाँ पे सोमनम लोकिज्म, ये क्या होता है, तो पर्सन जो नींद में चले इन वॉकिंग इन टॉक, सॉरी आपका टॉकिंग इन स्लीप, जो नींद में बोलता है उसे कहते हैं सोमनी लोकिज्म, और जो नींद में चलता है उसे कहते हैं सोमनी बुलिज्म। आप इस लोकिज्म वर्ड से याद रखिए, क्योंकि लोकेशियस वर्ड का मतलब होता है द पर्सन हु इज टॉकेटिव, टॉकेटिव पर्सन को आप लोकेशियस भी कहते हैं, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन 19 की बात करें, यहाँ पे आपसे पूछा है अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पे विश्वास ना करता हो, भगवान की एग्जिस्टेंस पे विश्वास ना रखता हो, तो उसे क्या कहते हैं आपका एथिस्ट, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। थेस्ट तो वो पर्सन तो जो भगवान पे विश्वास रखता है, ठीक है, हमने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वन हु लव्स बुक्स, तो जो बुक्स को लव करता है उसे क्या बोलते हैं आपका बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें आप, एक मिनट 21 निकालते सीधा, क्वेश्चन नंबर 21 चलिए, तो क्वेश्चन 21 में आपसे पूछा है अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, तो जो वर्ड नो लॉन्गर इन यूज है, काफी समय से यूज में नहीं है, उसे क्या था ऑब्स्टेकल, राइट आंसर इज ऑप्शन 3, है ना, 3 जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑब्सोलेट बोलेंगे, सॉरी नॉट ऑब्स्टेकल, द राइट आंसर इज ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट जो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 अ पेपर रिटन इन वंस ओन हैंड, तो उसे बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट, जो पेपर आप अपने हाथों से लिखते हैं उसे कहते हैं मनुस्क्रिप्ट। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, ऐसा घर जहाँ पे आप स्टोर करते हैं ग्रेन्स को उसे ग्रेनरी कहते हैं, सो मच इजी, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन 24 की बात करें वन हु कैन नॉट करेक्ट, तो उसे बोलते हैं आपका इनकोरिजिबल, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा इनकोरिजिबल। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, तो उसे क्या कहते हैं आपका सिनक्योर, सिनक्योर इस पर्टिकुलर पोस्ट को बोलते हैं जहाँ पे आपको हाई पे तो किया जाता है बट आपसे काम बिल्कुल नहीं लिया जाता है, ठीक है, तो ईच एंड एवरी पर्सन वॉन्ट दस टाइप ऑफ जॉब बट मिलती कहाँ है, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 से 29 की बात करें, ये थोड़ा सा अच्छा सेक्शन लगा मुझे, यहाँ पे आपको सपोर्ट करना है क्या एरर, तो इन गिवन 4 ऑप्शन में से गलत बताना है, आसान है वैसे तो। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग्स दियर नोट टेक्स्ट बुक्स टू क्लास टुमारो, उसका राइट आंसर रहेगा टू ब्रिंग होगा ना, टू ब्रिंग्स की जगह टू ब्रिंग होगा, तो ऑप्शन ए में गलती है यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 27 पे जाएंगे अब यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, सो गलती यहाँ पे ऑप्शन 2 में, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट रहेगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड दियर असाइनमेंट येट, तो 28 का तो राइट आंसर रहेगा ना, वो रहेगा आपका हैव, ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ हमेशा आपके सिंगुलर वर्ब आती है, तो राइट आंसर इज यहाँ पे हैव की जगह हैज आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ईच ऑफ द बुक्स हैव बीन रिटर्न टू द लाइब्रेरी, तो ईच जब भी लगे आपको, तो इस केस में ईच पर नाउन है, सो दे शुड बी नाउन प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हैज़ बीन, ना कि हैव बीन, तो हैज़ बीन यहाँ पे आना चाहिए, तो गलती कहाँ होगी ऑप्शन 2 में। क्वेश्चन नंबर 30 से 34 अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है, इस पैराग्राफ में दिए गए आपको इस गिवन पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो यहाँ पे पैराग्राफ में आपसे पूछा गया है कि टॉम वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरी, ठीक है, ही पिक अप अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ कार्टून ऑफ मिल्क एंड अ डजन एग्स। On his way back home, he met his friend Sarah, and they decided to have a picnic in the park. They bought chips and soda to enjoy the picnic.
क्लियर है। तो व्हाट डिड टॉम बाय एट द स्टोर, तो स्टोर में क्या बाय किया, तो अभी हमने पढ़ा स्टोर में क्या और क्या बाय करते हैं, पिक अप द लोफ ब्रेड कॉटन एंड कॉटन ऑफ मिल्क, तो यू कैन सी द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ब्रेड सॉरी टू ब्रेड मिल्क एंड एग, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछेगा आपसे कि एक मिनट, अब क्वेश्चन नंबर हमको 31 पे जाना है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 31 में क्या बोला आपसे कि वेयर डिड टॉम एंड सारा डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक, सो आपको पता है इन द पार्क, इन द पार्क उन्होंने डिसाइड किया कि पिकनिक में जाएंगे, ठीक है। अगला है व्हाट डिड टॉम एंड सारा डू आफ्टर मीटिंग एट द स्टोर, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू हैव अ डिनर, टू हैव अ शॉपिंग क्लोथ, डिसाइड टू पिकनिक, डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक, ऑप्शन फोर राइट रहेगा। व्हाट आइटम डिड टॉम एंड सारा बाय फॉर द पिकनिक, तो उन्होंने पिकनिक लिए क्या प्रयोग किया था, चिप्स एंड सोडा, राइट आंसर, क्लियर। यू कैन सी आपने यहाँ भी पढ़ा होगा इस पर्टिकुलर में, सो ही मेट एंड डिसाइडेड टू पिकनिक एंड दे बोट सम चिप्स एंड सोडा टू एंजॉय द पिकनिक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका ये 34 तक हो गया, 35 की बात करें, और 35 में आपसे पूछा गया था यहाँ पे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शफल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने ये सेंटेंस दिए थे गिवन, इन स्टेटमेंट को आपने अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस में लगाना था, तो उसका राइट आंसर एक ऑप्शन आपका 36 का बी, सबसे पहले बी स्टेटमेंट आएगी, दे सेटअप, उन्होंने आपका सेटअप सेटअप किया क्या, टेंट, द सन वॉज सेटिंग, सनसेट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आ गया बर्ड चिपिंग इन द डिस्टेंस, तो काफ़ी दूर पक्षी उसे चाह रहे थे, द कैंपर्स इंजॉय द पीसफुल इवनिंग, तो उसका बी रहेगा, डिस्टेंस में लगाएंगे तो, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले एक टेंट को वहाँ सेटअप किया जहाँ पे सनसेट कर रहा था, पक्षी उसे चाह रहे थे और उन्होंने इवनिंग को इंजॉय किया। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, क्वेश्चन 36 की बात करें, फिर से इनको रीअरेंज करना था, शफल करना था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन का आपका बी ए डी सी शायद से, यू कैन लुक एट दियर, सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, देखो सबसे पहले क्या होगा आपका कि पीपल वर ईगरली वेटिंग टू लाइन टू द एंटर द वेन्यू, क्यों, क्योंकि देखो लोग वहाँ पर काफ़ी उत्साह थे और वेट लाइन में खड़े थे वेन्यू के लिए, क्योंकि कॉन्सर्ट जो था वो स्टार्ट होने वाला था कितने पे, 8 बजे, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, फिर द लाइट डिम, लाइट डिम थी और क्राउड शोर मचा रही थी, और उसके बाद क्या म्यूजिक फिल दी एयर एंड द बैंड स्टार्टेड प्लेइंग, तो बैंड ने फिर अपना म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया, तो राइट आंसर ऑप्शन तीन। क्वेश्चन 37 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सबसे पहले सी आएगा, थंडर रम आपका रमबेल्ड इन द डिस्टेंस, उसको बिजली की गड़गड़ाने की आवाज़ सुनाई दी, शी वोक अप जागी एंड साउंड ऑफ रेन टैपिंग इन आर विंडो, उसने देखा कि यहाँ पे जो आपकी बाहर बारिश लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद आएगा ग्रैबिंग हर अम्ब्रेला शी वेंचर्ड आउटसाइड, उसने अपना छाता उठाया और बाहर देखा, एंड सी लुक की द स्ट्रीट वर डिसर्ट एंड एट एवरीवन साउट शेल्टर, ठीक है। उसने सुना था कि जो आपकी सिटी थी वो सारी शांत थी, एंड एवरीवन साउट शेल्टर, सभी जो थे कहीं ना कहीं बारिश से बचने के लिए शेल्टर ले रहे थे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन टू। 38 की बात करें, 38 में आपसे पूछा व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, कोई आपकी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ऑर्निथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स, हर्पिटोलॉजी की बात करें तो हर्पिटोलॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, और ये आपका इचिथोलॉजी की बात करें, इचिथोलॉजी की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश को बोलते हैं आपका, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, तो उसे कहते हैं आपका बिब्लियोफाइल, ठीक है, बिब्लियोग्राफर भी कह सकते हैं, राइट आंसर का बिब्लियोफाइल रहेगा, प्लस कलेक्ट एंड कलेक्ट बुक, तो उसे क्या कहते हैं आपका बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन या फिर अ वर्ड और फ्रेज दैट रीड दिस, देखो आप उस फ्रेज के उस वर्ड को क्या बोलेंगे जहाँ पर आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम ही साउंड दे, तो उसे कहते हैं आपको क्या पैलिंड्रोम, क्या कहते हैं उसको पैलिंड्रोम, ठीक है। आपने याद रखना है होमोनियम्स होते हैं जिनकी सेम सेम साउंड जाती है, और एंटोनियम होते हैं अपोजिट मीनिंग वाले, ऑक्सीमोरॉन होते एक ही शब्द के विपरीत जब मीनिंग निकलते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, 40 क्वेश्चन आए थे इस एंट्रेंस के टेस्ट में इंग्लिश सेक्शन के, जो हमने सभी डिस्कस कर लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट या क्वेरी है तो देन डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।